खबर शिवपुरी जिले से है, जहां दिवाली के त्यौहार पर फसलों की आवक होती है। कृषि मंडी में किसानों की भीड़ उमड़ती है, जिसके कारण मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंडी में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कोलारस SDM अनूप श्रीवास्तव ने कृषि उपज मंडी प्रबंधन को निर्देश दिए कि मंडी में किसानों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। आपको बता दें कि मंडी सचिव रियाज अहमद ने अपने मंडी स्टाफ की मदद से मंडी परिसर में आने वाले मक्का के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जगह न होने पर कॉलेज ग्राउंड में व्यवस्थित तरीके से खड़ा करवा दिया था। मंडी में आए किसानों का मक्का दोपहर 1 बजे तक नीलाम कर दिया गया और कॉलेज ग्राउंड में जमा मक्का की फसल की नीलामी दोपहर 2 बजे से की गई और किसानों को किसी तरह की परेशानी या जाम जैसी स्थिति नहीं होने दी गई। मंडी सचिव रियाज अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि अवकाश व त्योहारों के कारण 29 से 3 तारीख तक मंडी बंद रहेगी। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। पूर्व से ऐसा आवाज था, क्योंकि हमारे जो है समीप की उपमंडी लोगवासा बदरवास बंद है आज। ऐसी स्थिति में 4 बजे से हमने सारे स्टाफ को ड्रेस के साथ और हमने जो है फ्लैग बना के जो है किसानों से आग्रह किया। हमारी जो कैपेसिटी लगभग जो है मंडी की 500 ट्रॉली की है, उसके अंदर हमने 600-700 ट्रॉली की जगह करी। इसके बाद जितने भी किसान आए तो हमने बैरिकेटर्स लगाकर और उनको जो है समझाइश दी कि कॉलेज ग्राइंड में जो है आपकी जो है आगामी ट्रॉली की आई के लिए पानी नगर पालिका के माध्यम से व्यवस्था की गई और हमारे लोगों ने सारी रात काम किया स्टाफ रूम में। इसकी वजह से व्यवस्थाएँ काफ़ी जो है अच्छी बेहतर हो पाई और सबके लिए इनके मार्गदर्शन में जो है SDM साहब का विशेष सहयोग रहा, जिन्होंने जो हमें निर्देश दिए और वो हमसे पल पल जो है मंडी की अपडेट लेते रहे, तो उनके नेतृत्व में हम अच्छा काम कर पाए। इसके लिए जो है पूरे प्रशासन का धन्यवाद, व्यापारियों का धन्यवाद, आप जो है मीडिया के साथियों का धन्यवाद।